मीराबाई सीरियल की शूटिंग यहीं तक सीमित रह गई, लेकिन हम आपके लिए ये कहानी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं मीराबाई की पूरी कहानी। भक्ति संगीत की सरिता, जिसकी गोद में लहलहाते अनगिनत काव्य कुसुम सदियों से महकते आ रहे हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में राजपूताना के रेगिस्तानों में एक गंगा उतरी, शीतल पावन गंगा, मीराबाई का रूप धारण करके। मीराबाई राणा राजघराने की सुकुमार सुकोमल कुलवधू, जो कृष्ण कन्हैया की जोगन बन गई। साधु संतों की संगत में नगर डगर फिरने वाली मीरा के एक तारे से निकला वो संगीत, जो पिछले 300 वर्षों से गूंज रहा है। मीरा कवियों और संगीतज्ञों के हृदय स्वामिनी, पर मीरा का अपना स्वामी गिरधर गोपाल, मीरा का सब कुछ वही गिरधर गोपाल, जिसके प्रेम में पड़ गई मीरा और लाज सम्मान सब छोड़ बैठी। हे सर्वशक्तिमान, अगर तुमने हमारे वंश की पूजा का एक अंश भी स्वीकार किया है तो हमें वरदान दे दो। हमारे कुल में भक्ति की एक ज्योत जला दो। हे प्रभु, हमने श्री कृष्ण को अपनी संतान अर्पण करने का प्रण लिया है, तो श्री कृष्ण को तो गोपी अर्पण करनी चाहिए ना। हम चाहते हैं कि हमारी कोख से पुत्री जन्म ले। साधु बाबा, कहिए, ये गिरधर की मूर्ति हमें दोगे? जब गिरधर ही आपके हैं तो ये मूर्ति भी आप ही की है। मैं तो बरसों से भटक रहा था, ये मूर्ति आपको दे दूं। देखो ऐसा होता है ब्याह। मीरा, ये है आपके दूल्हा श्री गिरधर गोपाल। ये हमें ब्याह ले जाएंगे। कितने अच्छे हैं हमारे दूल्हे श्री कृष्ण गोपाल। My gown, my... गिरधर, हमारी मासा हमसे रूठकर क्यों चली गई? मैं रूठी नहीं हूँ मीरा। मासा आप कहाँ चली गई थी? मैं आपके गिरधर में समा गई हूँ मीरा। हमारी गिरधर में? हाँ मीरा, हम सब गिरधर में समा जाते हैं, और गिरधर हम सब में है। हम में है गिरधर। श्याम विराजे मोरे।
पता नहीं है बाहर निकलेंगे और राज करने लगेंगे। सच मैं भोज हूँ, भोज। आप भोजराज हैं, मेवाड़ राज्य के कुंवर? हाँ। आपने बिना आज्ञा मेवाड़ की सीमा में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? मंदिर श्री कृष्ण का, धरती श्री कृष्ण की, राज्य श्री कृष्ण का, और हम भी श्री कृष्ण के, इसलिए हमने निर्णय ले लिया। तुम्हारी सांसें इतनी फूली हुई क्यों हैं? क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। होने वाला है क्या? मेरा ना मेरा ब्याह होने वाला है। किसी दुश्मन से होगा? दुश्मन से? जय भैया के दुश्मन तो एक ही है, कुंवर भोज। नहीं सुमेर सिंह, नहीं। मैंने कृष्णा को कभी पाना नहीं चाहा। मैंने कृष्णा को अपने मन के उस स्थान पर कभी बिठाया ही नहीं। अब तुम इस तरह क्या देख रही हो? तुम्हारे भी एक दिन दूल्हा आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हमारे पति तो हमारे साथ हैं, किशन मुरारी। ये तो पत्थर की मूर्ति है। ना मानो तो पत्थर की मूर्ति, मानो तो पति। तुम तो दीवानी हो मीरा। कहते हो कुंवर जी, लेकिन एक बात और हो सकती है। अगर प्रेम दोनों तरफ इतना ही गाढ़ा है तो हो सकता है कि मीरा वीरमदेव को तुम्हारे लिए मना ले। प्रेम की अग्नि तो दोनों ओर बराबर जल रही है, मैं जानता हूं। अगर मैं मीरा के लिए तड़प रहा हूं तो मीरा भी मेरे ही सपने देख रही होगी। जयमल, तुम कहाँ थे? क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मैंने कृष्णा का रिश्ता वीर सिंह के साथ तय कर दिया। क्या? पर हमने तो राणा सांगा से हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? राणा सांगा? उनका संदेश आया था कुंवर भोजराज से कृष्णा के रिश्ते के लिए, हमने हाँ कर दी। आने वाली पूर्णिमा की तिथि भी तय कराया हूं। यहाँ भी तो आने वाली पूर्णिमा की ही तिथि तय हुई है। हुकुम, एक और बारात आ गई है। क्या? जलमेर वाले बारात लेकर आ गए हैं। पर ये कैसे हुआ? उनसे तो क्षमा मांग दी गई थी। तुम एक काम करो, महल के विशेष व्यक्तियों को लेकर जाओ, उन्हें सम्मान के साथ छावनी में ठहराओ। जाओ, रुको। मेवाड़ की बारात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हुकुम, जाओ। अब क्या होगा? जयमल, यहां बुलाकर हमारा मजाक बनाया तुमने। मैं आप लोगों को बुलाया नहीं था, मैंने संदेश भी भेजा था। कोई संदेश नहीं मिला हमें, और यदि संदेश मिल भी जाता तब भी हम कृष्णा को ही ब्याहने आते। जाओ जयमल, जाओ और अपनी मीरा को सिसोदिया के माथे मर दो। वो नहीं मानेंगे। क्या खूब, वो पत्थर जिसे वो अपने आंगन में नहीं लगा सकते, हम उससे अपना सर फोड़ लें। सुनो जयमल, हमारी बहू अगर बनेगी
तो सिर्फ कृष्णा बनेगी, और अगर वो राणा सांगा के घर ब्याह कर गई तो फिर युद्ध होगा। जलमेर वाले मेवाड़ वालों से ज्यादा ताकतवर है, वीर सिंह भोज पे भारी पड़ेगा, उनकी आपसी दुश्मनी खुल के सामने आ जाएगी। भोज के खून से अपने माथे पर तिलक लगाने की कसम वीर सिंह हर हाल में पूरी करेगा। भोज की मृत्यु निश्चित है। राणा सांगा का परिवार खुशियों की जगह मातम में बदल जाएगा। पुरोहित जी, हम करें तो करें क्या? क्या कोई नहीं है ऐसा जो हमें इस उलझन से निकाल सके? युद्ध से हल निकले तो ये अच्छा नहीं है ना, इसमें तो उनके प्राणों को भी खतरा है। नहीं, उन पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। हम भोज के लिए मीरा का हाथ मांगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको आश्चर्य होना भी चाहिए, मीरा का रिश्ता हमने ही ठुकराया था, लेकिन वो हमारी भूल थी। यदि हमने मीरा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो आज कृष्णा को अपने जीवन का यूं बलिदान न देना पड़ता। हमने कृष्ण को वर लिया है, हम अब किसी और को वर नहीं सकते। हमारा ब्याह हो चुका है। ये क्या बचपना है मीरा, भगवान से कहीं ब्याह किया जाता है? आप अपने पति को अपना भगवान मानती है, मैंने अगर भगवान को अपना पति मान लिया तो मुझे पागल क्यों कहा जा रहा है? हमने शरीर इस संसार को सौंप दिया है। और मन अपने गिरधर को, आप जो चाहे कीजिए। समय मीरा कृष्ण की मूर्ति को अपने से अलग नहीं करती। मेवाड़ में रानी करमेती और ननद उदा मीरा का स्वागत करती हैं। भाभी लाइए, ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं इसे मंदिर में रखाती हूँ। नहीं,
ये हमेशा हमारे पास रहती है, ये हमारे पास ही रहेगी। जब कुंवर जी से मिलेगी तो इस पत्थर की मूर्ति को खुद ही छोड़ देगी। ये है भूज भैया का कक्ष। सुहाग रात के समय मीरा ने भोज से अपनी बहन कृष्णा के बलिदान के बारे में कहा। स्वयं मिट गई ताकि सब जीवित रहे, आप जीवित रहे, आपकी हानि ना हो। ससुराल पहुंचकर भी कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम टूट नहीं पाया। अगर ये स्वामी है तो मैं क्या हूं? आप हमारे सांसारिक पति हैं और ये हमारी आत्मा के स्वामी। बहुभोज के समय मीरा को पशु बलि का मांस पकाने के लिए कहा गया। हमारी रसोई में मांस नहीं पकेगा, ये तो महाप्रसाद का अनादर है भाभी। महाप्रसाद अभी बना कहा है, जो हम बनाएंगे वही महाप्रसाद होगा। आप इस घर में आई हैं, आप यहाँ के रीति रिवाज नहीं बदल सकती। ये तो हलवा है। जी महाराज, यही महाप्रसाद है। क्रोधित ना हो महाराज, आप कुलगुरु हैं। हिंसा को पूजा का नाम देकर पूजा को कलंकित ना करें। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। अपमान के जितने घूंट पीने थे वो हम लोगों ने पी लिए। अब तो इस बहू के हाथ का बना हुआ कोई भी पदार्थ हमारे कंठ के नीचे नहीं उतरेगा। चलिए। ढोंग है ढोंग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे हम भोज के लिए ब्याह कर ला रहे हैं वो इतनी दुष्ट और पाखंडी है। मुझे मीरा को रोकना होगा। भोज जब अपने मित्रों के साथ शिकार पर गया तो वहां शेर के हमले में घायल हो गया। माँ जी, हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं, इस दरवाजे से अंदर जाने की आज्ञा नहीं है तुम्हें। सत्यवान के जीवन दान के लिए सावित्री ने यमलोक के राजा को चुनौती दे दी थी और तुम इस लोक के लोगों से डर गईं। अगर तुम्हारे कारण इसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा क्या तुम लौटाओगी? अगर आपके कारण इन्हें कुछ हो गया तो मेरे पति आप लौटाएंगे? मीरा को साधारण लोगों के बीच भजन गाते देखकर विक्रम आग बबूला हो गया। भाई साहब, आज जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं आपके लिए कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा। इधर विक्रम, करमेती और उदा मीरा की बढ़ती लोकप्रियता से भड़क उठे। इस मीरा को तो इतना दुखी करना होगा कि वो हमारे सामने रो दे और या फिर अपने नियमों को बदल दे। उन्होंने मीरा को सबक सिखाने की ठान ली। हमारे गिरधर कहाँ है? कहीं तुम तो नहीं उठा ले गए? नहीं तो। मासा, बड़ा घमंड करती थी ना इस पत्थर की मूर्ति पर, अब देखती हूँ इसके बिना मर जाती है क्या। मीरा की मूर्ति को पत्थर का टुकड़ा समझा तो उनके जीवन में बहुत कुछ असामान्य घट जाएगा। आज अछूतों के लिए मंदिर बनवाए जा रहे हैं, कल महल बनवाए जाएंगे। विक्रम, मीरा और भोज अलग होने ही चाहिए। हम अपने गुरु से मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं। आपके गुरु? आपके गुरु कौन है?
संत रैदास। रैदास? उसमें इतना साहस कहाँ? साहस तो मीरा का है। तुम्हें बंदी बनाया जा सकता है। बहते पानी को छलनी से नहीं बांधा जाता। हम खुद जाएंगे संत रैदास को लाने। स्त्री नहीं, आंख की किरकिरी है वो। अब कौन जाने इतनी रात में कहाँ गई है। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले मूर्ति स्थापना करनी होगी। सूर्यास्त के बाद का मुहूर्त नहीं है। तुमने मुझसे कहा होता मैं रैदास को बंदी बनाकर महल में दास बना लेता, लेकिन तुमने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। मूर्ति स्थापना के दिन अपनी कुटिया से तू बाहर नहीं जाएगा। प्रभु बुलाएंगे तो अवश्य जाऊंगा। जब तक गुरुदेव नहीं आते इस मंदिर में घंटानाद गूंजता रहेगा। आप जिन्हें तुच्छ समझते हैं वो हमारे लिए आदरणीय है। मूर्ति की स्थापना हो गई है। तो समस्या का समाधान कर ही दिया गिरधर ने। कौन था ये बालक? भगवान। आगे देखते हैं मीराबाई की विशेष कहानी। मीरा की कृष्ण भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। श्री कृष्ण के प्रेम रस से भरी मीरा की कविताएं भजन के रूप में गाए जाने लगी। कहा जाता है कि राग भैरवी की गायकी पर मीराबाई की जबरदस्त पकड़ थी। बात बादशाह अकबर तक पहुंची। सम्राट संगीत प्रेमी तो थे ही, संत मीरा की भैरवी सुनने वे स्वयं आए जोगिन के दरवाजे पर। साथ में थे मियां तानसेन। दोनों ने मीरा को सुना और राग भैरवी के इस वैभव पर चकित रह गए। पर मीरा से मिलने एक भिखारी का वेश बदल के आए थे, लेकिन वे उनके भावपूर्ण कृष्ण भजनों से इतने प्रसन्न हुए कि जाते समय मीराबाई के चरणों में एक कीमती हार भेंट कर गए। मुगल बादशाह अकबर की मीराबाई के दर्शन की खबर मेवाड़ में आग की तरह फैल गई। अपने राजनैतिक दुश्मन की मीराबाई से मिलने की खबर सुनते ही उनके पति राजा भोजराज बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने मीराबाई को नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग देने का आदेश दिया। मीरा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नदी की तरफ चल पड़ी। तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू तोरी प्रीत तोरी कृष्ण।
नदी में अपने आप को समर्पित करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण खुद प्रकट हो गए और उन्होंने मीरा को आदेश दिया कि वे मेवाड़ को छोड़ वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। वृंदावन मेरी तपोभूमि है, वहां आप शांति पूर्वक भगवान का सुमिरन कर सकेंगी। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वृंदावन प्रस्थान किया। राज्य साम्राज्य की चमक दमक, घर परिवार का मोह, इन सब से मीरा को क्या लेना देना। उसे तो अनमोल मिल गया, उसका जोगी, उसका सब कुछ। जोगी जिसके प्रेम संबंध को लेकर जाने कितने तिरस्कार, कितने अपमान और कितने षड्यंत्र सहे मीरा ने। जोगी जिसके कदमों पे सर रखकर भक्ति और आनंद में डूबी पलकें बंद किए रही मीरा। वृंदावन पहुंचकर मीरा ने अपने गुरु संत रायदास जी से भी मुलाकात की। वृंदावन की एक कथा के अनुसार मीराबाई एक बार महान संत जीवा गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन गोसाई जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी स्त्री की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। मीरा ने उन्हें संदेशा भेजा और कहा कि उन्हें अभी पता चला है कि पूरे वृंदावन में श्री कृष्ण के अलावा कोई और भी पुरुष है। मेरे लिए तो हर कोई इस वृंदावन में गोपी ही है। ये सुनकर जीवा गोसाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा से मुलाकात की। बिहारी लाल ने कहा है कि कृष्ण जब होठों पर मुरली रखते हैं तो उसमें उनके लाल होठ, नीली आंखों और पीले पीतांबर की परछाई पड़ती है, और इस तरह से हरे रंग की बांसुरी का रंग इंद्रधनुषी हो जाता है। अधर धरत हरि के परत, होंठ दीठ पट जोत, हरित रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। स्नेह भक्ति श्रृंगार सुर कविता संगीत और गिरधर के प्रति के संपूर्ण आत्मसमर्पण का एक इंद्रधनुष अपने सफेद कपड़ों में छुपाए मीरा कहीं भी निकल जाती। कोई भय नहीं, लोकलाज के कोई बंधन नहीं। कोई ना रोक कर, कोई ना रोक कर, कोई ना रोक कर, कोई ना रोक कर।
कुछ समय बीतने के बाद राजा भोजराज को अपनी गलती महसूस हुई। वे वृंदावन पहुंचे और मीराबाई से माफी मांगी, साथ ही मीराबाई से उनकी कृष्ण भक्ति में साथ देने का भी वादा किया। मीराबाई ने कहा उन्हें किसी भी तरह के राजपाट में कोई रुचि नहीं है, परंतु मीराबाई उनके इतने आग्रह पर उनके साथ वापस चित्तौड़ जाने के लिए राजी हो गई। कुछ ही समय बाद राजा भोज की युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। मीराबाई के दिन थे सती प्रथा के दिन। राणा राजघराने में भी फैसला किया गया कि घर की सारी विधवाएं अपने आप को जौहर के हवाले करें। मीरा ने इसका विरोध किया। जिसके सिर पर है मोर मुकुट, श्याम वर्णीय वह गोपाल मेरा, कृष्ण मेरा, मेरा जोगी वही है, मेरा सब कुछ वही है, मेरा पति और वो अमर है। पति के जीवित रहते मैं भला सती कैसे बनूं? मेरी शादी तो हुई है उस लाडले कन्हैया से और मैं हूं निरंतर सुहागन उस गोविंद की, जिसे मैंने खरीदा है अपने स्नेह से, श्रद्धा से, आस्था से और आत्मसमर्पण से। इस घटना के पूर्व मीराबाई पर ससुराल वालों के जुल्म सीमा पार करने लगे। कुछ समय बाद उनके ससुर राणा सांगा का भी देहांत हो गया। राणा विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के राणा बने। राणा ने मीराबाई को मारने के कई प्रयास किए। मीरा के पास एक जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्याले का प्रसाद भोग लगाया और फिर खुद ग्रहण कर लिया। वो जहर का प्याला अमृत में बदल गया। फूलों की टोकरी में जहरीला सांप मीरा के कक्ष में भेजा गया, लेकिन जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली सांप फूलों की माला बन गया। और भी कई ऐसे प्रयास मीराबाई को मारने में विफल रहे। उनके प्रिय कृष्ण जी उन्हें हमेशा बचा लेते। ससुराल में मीरा पर जुल्म बढ़ते चले गए, पर मीरा की कृष्ण भक्ति जरा भी कम न हुई। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई ने महान कवि तुलसीदास जी को पत्र लिखा, जिसमें मीराबाई ने तुलसीदास जी से सलाह मांगी कि उनके परिवार वाले उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वे तो उनकी आत्मा और रोम रोम में बसे हैं। कृष्ण भक्ति छोड़ना उनके लिए देह त्यागने के बराबर है। कृपया ऐसे असमंजस से निकालने के लिए कोई सलाह दें और उनकी मदद करें। तुलसीदास जी ने मीराबाई से कहा कि जिस तरह भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, राम की भक्ति के लिए विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, बाली ने अपने गुरु को छोड़ा और गोपियों ने अपने पति को छोड़ा,
उसी तरह आप भी अपने सगे संबंधियों को छोड़ दो जो आपको और श्री कृष्ण के प्रति आपकी अटूट भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। मीराबाई ने महल छोड़ने का निर्णय लिया और अपने कुछ भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने अपना समय वृंदावन और द्वारका में बिताया। द्वारका में ही एक दिन भजन कीर्तन करते हुए वे कृष्ण जी की मूर्ति में समा गए और अपनी भक्ति ही के जैसे अमर हो गए। मीरा का जोगी जिसे वो आज भी ढूंढती है, गलियों में, आंगन में, फागुन में, सावन में, सुबह शाम, चढ़ती धूप और ढलती रात में, वही एक तारा। मीरा के आंसू बूंद बूंद होकर गिरते और टूटते हैं। मीरा रोती है, कवि गायक और सामान्य व्यक्ति रोता है, और रोते हैं मौसम, साल और सदियां। मंदिरों खंडहरों से आती आवाज, हवाओं की टीस और दिशाओं का चुपचाप संगीत, दर्द जमीनों आसमान का रिस रिस कर निकलता दुख, दुख मीरा का।